हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट. वेलकम टू आर्डन स्टडीज एंड माय नेम इज आकाश एंड आई एम अ कैट ट्रेनर सिंस लास्ट 15 इयर्स एंड आई हैव क्रैक द कैट एग्जामिनेशन विद 99 प्लस परसेंटाइल 8 टाइम्स. सो गाइस, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइक्लिसिटी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक कैट, जेट एंड मैट एटसेट्रा. अपार्ट फ्रॉम एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आईपी मैट इज अनदर एग्जामिनेशन वेर इन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And job oriented examination like banking and SSC also ask questions based on cyclicity. So cyclicity ka concept ka use kahan hota hai? Cyclicity ka concept ka use normally ya phir largely units digit nikalne ke liye hota hai bade numbers ka. Apart from that work and time mein bhi iske kuch use hote hain. To aaj ki class mein main aapko samjhane wala bahut hi simple language mein, bahut hi aasan bhasha mein ki cyclicity ka concept kya hota hai. फिर एक और क्लास लेंगे जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चंस लेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसके बाद फिर इसमें किस तरीके से फास्ट वर्कआउट हम लोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया टेक्निक्स मैं आप लोगों को समझाता हूँ. तो साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले रिमाइंडर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. चलिए रिमाइंडर का वो छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं. वो रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. अभी रिमाइंडर में लेट से एक नंबर है डी, जिसको बोलता हूं डिविडेंड. एक दूसरा नंबर है स्मॉल डी, जिसको मैं बोलता हूं डिवाइजर. ये हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर. रिमाइंडर निकालना है हमको. रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबिलिटी, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी या तो जीरो होगा, या तो वन होगा, या तो टू होगा, या तो थ्री होगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगी. और जो मैक्सिमम रिमाइंडर होगा वो होगा डी माइनस वन. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लू 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो. क्वोशेंट तो आपका 5 आएगा, रिमाइंडर इज जीरो. वी हैव टू फोकस ऑन रिमाइंडर. वैसे ही अगर मैं 21 को 4 से डिवाइड करूं, 21 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं रिमाइंडर 1 आएगा. 22 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा. और 23 को 4 से डिवाइड करूं, हाँ, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. आगे अगर आप बढ़ोगे 24 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, हाँ, 24 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? फिर से 0 आएगा. अब देखने फिर ये साइकिल चल रहा है, सर्कल चल रहा है. मतलब 0 1 2 3, मैक्सिमम रिमाइंडर 3. इसी तरीके से अगर आप किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 से लेकर के 4 तक मैक्सिमम. 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0 से लेकर के 99. अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसी का यूज करके हम लोग बेस सिस्टम में काम करते हैं, वो बाद में देखते हैं. अभी फिलहाल हम लोग एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, विच इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी. कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी क्या होता है वो समझ लेते हैं एक बार. कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी. तो पहला कंसेप्ट था डिवाइजर डिवाइडेड बाय डिविडेंड, द मैक्सिमम रिमाइंडर विल बी डी माइनस वन, स्मॉल डी माइनस वन, दैट इज डिवाइजर माइनस वन, एंड मिनिमम रिमाइंडर इज जीरो. अभी साइक्लिसिटी का कंसेप्ट क्या होता है इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी सीरीज लिखता हूं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी एंड सो ऑन. अब ये सीरीज चल रही है जिसमें तीन टर्म्स ही है, बार बार रिपीट हो रहे हैं उसी ऑर्डर में, ए देन बी देन सी, A then B then C, A then B then C. तो अगर आपको किसी ने पूछा कि 286th term क्या होगा इस सीरीज का, 286th term इस सीरीज का क्या होगा, तब आप किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे? देखिए, इसका 286th term निकालना है. मेरे को पता है कि इस पूरे के पूरे सीरीज में सिर्फ तीन डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं इन एन ऑर्डर ए बी सी. कितने डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं? तीन डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, थ्री डिस्टिंक्ट टर्म्स, अलग अलग टर्म्स है तीनों, तो थ्री डिस्टिंक्ट टर्म्स. ये जो थ्री डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं इन एन ऑर्डर ए बी एंड सी, तो मैं बोलूंगा इस सीरीज की साइक्लिसिटी कितनी है? साइक्लिसिटी कितनी है इस सीरीज की? 3 है. ठीक है, इस सीरीज की साइक्लिसिटी कितनी है? 3 है. तो इन तीन टर्म्स पर ध्यान रखें. अब आपको 286 टर्म अगर निकालना तो करना क्या, आपको 286 डिवाइडेड बाय आप कर दोगे 3, 286 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 3 कर दोगे. रिमाइंडर निकालोगे, तो 3 9 27, 3 9 27, 3 5 बेसिकली रिमाइंडर आएगा कितना? 1.
रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो मैं बोलूंगा रिमाइंडर 1 आ गया। इससे हम ये समझ लेंगे कि ये जो तीन डिस्टिंक्ट टर्म्स है ना इंडियन ऑर्डर, ए बी एंड सी, तीन, पहला टर्म क्या है ए, दूसरा टर्म क्या है बी, तीसरा टर्म क्या है सी। तो ए पहला टर्म है, ए इज द वेरी फर्स्ट टर्म एंड रिमाइंडर इज ऑल्सो 1, इसीलिए हमारा जो 286 टर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ए। 286 टर्म होगा वो हमारा ए होगा। इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से, दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखिए अगर मैं एक दूसरी सीरीज लेता हूं, वन टू थ्री फोर, फॉर दैट मैटर कुछ भी ले लो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अगर मेरे को इस तरीके से सीरीज चल रही है और इस सीरीज का मेरे को लेट से 598th टर्म चाहिए, 598th टर्म चाहिए, तो मैं किस तरीके से इसको हैंडल करूंगा। 598th टर्म चाहिए, तो अगर मुझे 598 टर्म चाहिए तो मैं सबसे पहले डिसाइड करूंगा कि साइक्लिसिटी कितनी है, साइक्लिसिटी है 4, साइक्लिसिटी कितनी है 4 है। तो 598 डिवाइडेड बाय 4 कर दूं, अगर मैं 598 डिवाइडेड बाय 4 कर दूं, रिमाइंडर अगर निकालेंगे हम, रिमाइंडर अगर आप निकालोगे तो रिमाइंडर निकलेगा 2, रिमाइंडर 2 निकलेगा। इसका मतलब ये जो बेसिक सीरीज है एबीसीडी इन एन ऑर्डर, तो उसका सेकेंड टर्म जो है ना, सेकेंड टर्म वही आपका आंसर है, सेकेंड टर्म है आपका आंसर, दैट इज बी इज द आंसर, क्लियर। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और समझा दूं कि अगर मान लो ये ऐसा कुछ पूछता, 600th टर्म पूछ रहा है, 600th टर्म पूछ रहा है, तब आप क्या करोगे, सिंपली 600 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर देखोगे क्या है, रिमाइंडर क्या है 0। अब रिमाइंडर अगर 0 आता है ना, तब हम बोलते हैं कि लास्ट टर्म इज दी आंसर। तो 600 टर्म क्या होगा, T600 क्या होगा, T600 विल बी डी, द T600 विल बी क्या, डी। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये है बेसिक कांसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। तो मान लो 5 से डिवाइड कर रहे हो, साइक्लिसिटी 5 निकल गई, 5 से डिवाइड कर रहे हो, 1 आ गया तो पहला टर्म, 2 आ गया तो दूसरा टर्म, 3 आ गया तो तीसरा टर्म, 4 आ गया तो चौथा टर्म, 5 आ गया तो लास्ट, 5 तो आएगा नहीं 5 से डिवाइड करने से, रिमाइंडर इज 0, तो 0 आ गया तो लास्ट टर्म। आई होप ये आइडिया आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम लोग लास्ट डिजिट निकालते हैं। तो लास्ट डिजिट में आगे बढ़ने से पहले अपन देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का। मान लो मेरे पास एक नंबर है 2391 इंटू 2399 लिख लेता हूँ इंटू 234, ऐसा कुछ है, 2399 इंटू 234। तो मैं करूंगा क्या, ये 9 दिख रहा है और ये 4 दिख रहा है, 9 इंटू 4 कर दूंगा, 9 इंटू 4 कितना जाएगा, 6 आ जाए, 36 का 6 आ जाएगा। और इसके पहले जो भी टर्म्स हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा लास्ट डिजिट क्या है, निकल चुका है। अब हमारा लास्ट डिजिट क्या निकल चुका है, 6 है। अब ऐसा क्यों होता है, इनको ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 2399 इंटू आप कर रहे हो 234, ऐसा करते हो तो बेसिक मल्टीप्लीकेशन में हम करते क्या है, 9 4 36 6, ठीक है, 9 4 36 6 कैरी ओवर 3, अब उसके बाद 4 9 36 3 39 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप आगे बढ़ते हो, है ना। उसके बाद फिर आप यहां कट लगा देते हैं, 3 9 27 का 7 और जो भी है आप आगे करते जा रहे हो। उसके बाद फिर 2 कट लगाते हो। अच्छा ये एक कट और ये 2 कट क्यों लगाते हैं, ये आपको पता ही होगा, एक कट इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 टेंथ प्लेस पे है, 3 अगर टेंथ प्लेस पे है तो एक 0 आएगा ही आएगा लास्ट में, उसी के लिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, कट या 0 लगाते हैं। तो बेसिकली अभी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब 2 से मल्टीप्लाई करना, तो जो भी आए आप देख रहे हो, इफेक्टिवली 6 ही हमारा आंसर है, इफेक्टिवली 6 ही हमारा आंसर है, जो कैसे हो रहा है, 9 × 4 36 का 6 हो रहा है, 6 ही हमारा आंसर है। तो अगर मान लो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई लास्ट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, मान लो 23 × 24 × 26 × 27 × 29, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम लोगों को करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस रखना है, किस पे फोकस रखना है, यूनिट डिजिट पे फोकस रखना है।
अभी 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, 2 हुआ, 2 इंटू 6 कितना हुआ 12, 2, बाकी तो हमारे किसी काम का है नहीं। अभी 2 इंटू 7 कितना हो गया, 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 का 4, और 4 इंटू 9 36 का 6। तो यही आपका यूनिट डिजिट होगा, इस बड़े नंबर का यूनिट डिजिट इस तरीके से होगा। आई होप गाइस ये बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, ये बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है मल्टीप्लीकेशन का। तो पहले हम लोगों ने रिमाइंडर का कंसेप्ट देखा जो यूज होने वाला है, फिर दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने साइक्लिसिटी का कंसेप्ट समझा, और तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट का। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं बड़े पावर का लास्ट डिजिट आपको निकालना है, राइट, बड़े पावर का लास्ट डिजिट आपको निकालना है। तो देखते हैं बड़े पावर का लास्ट डिजिट निकालने के लिए हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। देखिए, अगर मैं एक नंबर लिखूं 2 पावर 91, एक्चुअली है क्या ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एंड सो ऑन, ये इस तरीके से 2 कितनी टाइम्स है, 91th 2 है, 91th 2 है, ये 91st 2 है, 2 2 2 2 2 2 91st 2। अभी अगर आप देखोगे पावर में किस तरीके से साइकिल चलता है, ये दिस इज 2 पावर 1, इसका लास्ट डिजिट तो 2 ही है। अभी 2 पावर 2 का लास्ट डिजिट क्या होगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 4 आ गया। अभी 2 पावर 3 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 4 इंटू 2 8 आ गया, और उसके बाद फिर 8 इंटू 2 6 आ गया, यानी कि 2 पावर 1 का लास्ट डिजिट 2, 2 पावर 2 का लास्ट डिजिट 4, यहाँ तक 4 आ गया। 2 क्यूब करोगे तो 4 इंटू 2 8, और 2 पावर 4 करोगे तो 8 इंटू 2 6। इसी तरीके से ये चलेगा, क्लियर, इसी तरीके से चलेगा। आगे बढ़ोगे अगर आप 6 इंटू 2 करोगे तो फिर से 2 आएगा, तो आप देख रहे हो इंटू 2 करोगे तो 2 इंटू 2, फिर से 4 आएगा। तो बेसिकली ये चीजें क्या हो जा रही है, रिपीट हो जा रही है, ये चीजें क्या हो रही है, 8 के बाद 6, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6। तो साइक्लिसिटी का कंसेप्ट यहां दिख गया आपको, 2 4 8 6 2 4 8 6, साइक्लिसिटी का कंसेप्ट दिख गया। साइक्लिसिटी कितने की है, 2 के पावर की साइक्लिसिटी, या फिर 2 के पावर में यूनिट्स डिजिट की साइक्लिसिटी कितनी है, 4। 2 के पावर्स में यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी कितनी है, 4, राइट, 2 के पावर में यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी कितनी है, 4। पहला टर्म क्या है 2, दूसरा टर्म क्या है 4, तीसरा टर्म क्या है 8, चौथा टर्म क्या है 6। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को निकालना है 2 पावर 91 में क्या होने वाला है, आपको समझ में आई गई होगी बात, 91 इस पावर को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 4 से। 91 को पावर को किससे डिवाइड करेगा मैं, करूंगा मैं 4 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो इस बेसिक टर्म का, रिमेंबर, इस बेसिक टर्म का तीसरा, इस बेसिक बेसिक जो डिस्टिंक्ट टर्म्स है, कितने डिस्टिंक्ट टर्म्स है, 4 डिस्टिंक्ट टर्म्स है, तो उसका तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला जो डिजिट है, नंबर है, वही आपका आंसर है, राइट, 3 आ रहा है तो आंसर इज 8, 3 आ रहा है तो आंसर इज 8। नहीं समझ में आया, मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। देखिए, मान लो मेरे को ये कैट का क्वेश्चन है 2 पावर 51, इसमें मेरे को लास्ट का डिजिट निकालना है, तो सीधे सीधे मेरे को पता है 2 के पावर्स का जो यूनिट डिजिट का साइक्लिसिटी है वो 4 होता है। कौन कौन से टर्म होते हैं, 2 4 8 और 6, बस ये याद रख लेना, 2 4 8 और 6, ठीक है। तो 51 डिवाइडेड बाय, मैं कर रहा हूं 2, 51 डिवाइडेड बाय मैंने कर लिया 2, सॉरी डिवाइडेड बाय मैं कर लिया 4, रिमाइंडर इज 3, तो मैं बोलूंगा 2 का क्यूब क्या है 8 है, 2 का क्यूब क्या है 8 है, राइट, ये तीसरा पावर, 2 पावर 3 इज 8, सो आंसर इज 8। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया। सिमिलरली 4 का भी चलता है, सिमिलरली 1 का भी चलता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि साइक्लिसिटी क्या होती है। इसी तरीके से पावर निकालोगे, लेट से मैं 3 का निकाल लेता हूं, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3 एंड 3 पावर 4, 3 पावर 5 भी देख लेते हैं, 3 पावर 6 भी देख लेते हैं। देखो 3 पावर 1 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 पावर 2 में 9, 3 पावर 3 में 7, भाई 9 इंटू 3 7, राइट, 9 इंटू 3 7, अभी 7 इंटू 3 21, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9। तो आप देख रहे हो 3 9 7 1 चल रहा है, मतलब बेसिक साइक्लिसिटी कितने की चल रही है, 4 की चल रही है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले 3 पावर 9 84, ऐसा पूछ ले, आपको पूछ रहा है कि भाई लास्ट डिजिट क्या होगा, तो 9 इस पावर को, याद रखना इस पावर को करना है,
इस पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। क्यों 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, तो 4 है साइक्लिसिटी, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 तो लास्ट टर्म देखेंगे, याद रखना रिमाइंडर 0 तो लास्ट टर्म देखेंगे, आई होप दिस इज क्लियर, रिमाइंडर 0 है तो लास्ट टर्म देखेंगे, तो रिमाइंडर 0 है तो लास्ट टर्म क्या है, 1, आंसर इज 1, राइट, रिमाइंडर इज 0 द आंसर इज 1, दिस इज द यूनिट डिजिट ऑफ 3 पावर 984। आई होप गाइस बहुत अच्छे से ये चीज आपको क्लियर हो गई है। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा टेबल बना देता हूं कि यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी क्या होती है। देखिए कोई भी नंबर, जैसे कि अगर मैं ले रहा हूं 291 पावर 83, इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा वो निकालने के लिए, आप देखिए ये बेस होता है और ये पावर होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि 291 पावर 83 है तो ये 29 हमारे किसी काम का नहीं है, 29 हमारे किसी काम का नहीं है, बेस का यूनिट डिजिट ही हमारे काम का होता है। समझ में आ गई बात, बेस का क्या काम का होता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट ही काम का हो रहा है, बेस का सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट ही काम का होता है। तो यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 ही केसेस हो सकते हैं, राइट। तो मैं वो 10 केसेस बना देता हूं, इफ द यूनिट डिजिट, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द बेस, देखिए पावर वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ बेस, भाई केस वन क्या होगा, केस 1 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है, केस 2 4 या 9, और केस 3 होगा 2, 3, 7 और 8, ये 3 केसेस ही बनते हैं, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट बेस का यूनिट डिजिट 0156 है तो उसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है, इसमें साइक्लिसिटी क्या है, 1, राइट, इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 2, और इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 4, समझ में आ गए। अभी मैं आपको समझा देता हूँ 1, 2 और 4। मान लो 26 पावर 93 कर रहा है, 23 पावर 96 मेरे को निकालना है, 23 पावर 96 निकालना है, अब 26 पावर 93 निकालना है, आप क्या करोगे, 26 into 26 into 26 into 26 ऐसा 93 times होगा, होगा ना 93 times, तो अभी क्या करोगे आप, ये 6 है तो एज इट इज 6, ठीक है, अभी 6 into 6 करोगे तो फिर से 6 आएगा, ये तो किसी काम का नहीं का, 6 into 6 क्या हो जाएगा 36, ये फिर 6 into 6 क्या हो गया 36, ये एंड सो ऑन। तो आपको दिख रहा है साइक्लिसिटी क्या हो गई, 1 हो गई, आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको रटना है कि 0, 1, 5 या 6 का साइक्लिसिटी क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी बड़े नंबर का पावर दिख रहा है और उस बड़े नंबर के बेस में लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट में 0, 1, 5 या 6 है, तब मैं क्या करूंगा, 0, 1, 5 या 6 है तब मैं क्या करूंगा, ये 1, 5 या 6 जो भी है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मान लो अगर किसी ने आपको पूछा 25 पावर 83 तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आप बोलोगे सर 5 है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई होप बेसिक आइडिया अच्छे से क्लियर है। वैसे ही केस 2 में 4 और 9 है, तो 4 और 9 का यहां पर समझ लेते हैं, नेक्स्ट पेज में समझ लेते हैं 4 और 9 का, केस 2, 4 और 9 देखिए, अगर आप 4 into 4 into 4 into 4 into 4 करते जाओगे है ना, पावर कुछ भी हो सकता है, तो पहले केस में तो 4 ही आया, अभी 4 into 4 कितना हो गया, 6 आ गया, राइट, यानी कि 4 square में 6 आ जाएगा, फिर यहां तक क्या 4 cube है, तो 6 into 4 क्या आ गया, 4 हो गया, फिर 4 into 4 6 हो गया, फिर 4 6 into 4 4 हो गया, तो आप देख रहे हैं 4 6 4 6 चल रहा है। तो इसको याद कैसे रखें, देखिए कोई भी बड़ा नंबर है, कोई भी बड़ा नंबर है उसके लास्ट में क्या है, 4 है, पावर अगर ऑड है तो आप बोलोगे देखिए पावर ऑड है, ठीक है, यहां तक 1 पावर था तो 4 ही आता है, ठीक, और कोई भी बड़ा नंबर है लास्ट में 4 आ रहा है, पावर अगर इवन है देखिए इवन पावर में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक, आई होप क्लियर हो गया। वैसे ही इसी तरीके से 9 का भी होगा, इसी तरीके से 9 का भी होगा, 9 पावर अगर मैं ऑड ले लूं तो 9 ही आता है लास्ट डिजिट, और 9 पावर अगर मैं इवन ले लूं तो 1 आता है, आई होप क्लियर हो गया 9 और 1। तो देखो ऑड में तो कोई टेंशन नहीं है, 4 और 9 में,
फोर ही आएगा और नाइन ही आएगा ऑड पावर में। लेकिन अगर इवन पावर है तो इस केस में आपको सिक्स याद रखना और इस केस में आपको वन याद रखना है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से। वैसे ही टू थ्री सेवन और एट का भी चलता है। अच्छा टू थ्री सेवन एट ही ना सबसे इंपॉर्टेंट है, टू थ्री सेवन एट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे देखेंगे टू थ्री सेवन एट सबसे इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। टू थ्री सेवन एट सबसे इंपॉर्टेंट है तो आपको सिर्फ ना शुरू के चार पावर याद रखने, क्योंकि साइक्लिसिटी फोर होती है। केस थ्री द लास्ट डिजिट ऑफ द बेस इज टू और थ्री और सेवन और एट। भाई इन सब की साइक्लिसिटी क्या होती है, साइक्लिसिटी इन सब की फोर होती है, ठीक है फोर होती है। कैसे होती है एक बार समझा देता हूं। देखिए टू का पावर देखते हैं, टू पावर वन क्या है टू, टू पावर टू क्या है अभी टू इंटू टू फोर, टू क्यूब देखते हैं फोर इंटू टू एट, अभी टू पावर फोर देखते हैं फोर एट इंटू फोर एट इंटू टू सिक्सटीन सिक्स राइट। टू पावर फाइव देखो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, फिर से टू आ गया देखो ये टू फिर से आ गया। टू पावर सिक्स देखो टू इंटू टू फोर, तो आप देख रहे हो टू फोर एट सिक्स टू फोर एट सिक्स टू फोर एट सिक्स टू फोर एट सिक्स चलेगा। सिमिलरली देखिए तो टू टू का क्या होता है टू फोर एट सिक्स, बस यही याद रखो आप। सिमिलरली थ्री का क्या होता है, साइक्लिसिटी फोर है। बेसिक चार डिस्टिंक्ट टर्म्स क्या है टू फोर एट सिक्स, थ्री का थ्री होगा नाइन होगा, सोच लो नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन और सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन, ठीक है। और सेवन का अगर आप देखोगे तो सेवन पावर वन सेवन ही होगा, सेवन पावर टू क्या होगा, सेवन पावर टू क्या होगा नाइन, नाइन सेवन ज़ा सिक्सटी थ्री, थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन, ठीक। इन दोनों में लास्ट में वन आ रहा है याद रखो थोड़ा। और अगर मैं एट का देखूँ तो एट एट स्क्वायर इज सिक्सटी फोर, फोर इंटू एट थर्टी टू, टू इंटू एट सिक्सटीन सिक्स एंड सो ऑन। तो इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको, सिक्स दिख रहा है राइट। थोड़ा सा ऑब्जर्व भी अगर आप करोगे तो थ्री नाइन सेवन ठीक है, इसमें सेवन नाइन थ्री, वैसे इसको रटने की जरूरत नहीं, आप एग्जाम में खुद से भी निकाल सकते हो। याद रखना टू थ्री सेवन एट साइक्लिसिटी क्या होती है, फोर होती है। टू थ्री सेवन एट साइक्लिसिटी फोर होती है। तो इस तरीके से हमारा साइक्लिसिटी का कंसेप्ट खत्म हो रहा है। अभी मैं आपके सामने कुछ अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन प्रस्तुत करता हूँ। बेसिक से थोड़े बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन। तो एक बेसिक क्वेश्चन तो मैं आपको खुद से करा दूं पहले। लेट्स से आपको निकालना है फाइंड द यूनिट डिजिट, क्या निकालना भाई, क्वेश्चन में आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फाइंड द यूनिट्स डिजिट आएगा। देखो किस किस एग्जामिनेशन में चांसेस ज्यादा, मैं बताता हूँ एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किस किस एग्जाम में चांसेस ज्यादा है, स्नैप में, एनमैट में, सीमैट में, महाराष्ट्र सीईटी में, इन सारे एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लैट करके एक एग्जामिनेशन, उसमें भी रेगुलर पूछते ही रहता। तो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, एक क्वेश्चन ले रहा हूं अपनी मर्जी से, फोर पावर वन इंटू नाइन स्क्वायर इंटू फोर क्यूब इंटू नाइन पावर फोर इंटू फोर पावर फाइव इंटू नाइन पावर सिक्स एंड सो ऑन, फोर पावर फोर्टी नाइन इंटू नाइन पावर फिफ्टी। इसका मेरे को निकालना, क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, इस नंबर का मेरे को यूनिट डिजिट निकालना है। अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले मेरे को फोर का तो पता है ऑड है भाई, ऑड है तो यहाँ फोर ही आएगा, और ये नाइन का पावर इवन चल रहा है तो यहाँ पर नाइन का पावर इवन चल रहा है तो वन आएगा, फोर का पावर ऑड है तो फोर आएगा, नाइन का पावर इवन है तो वन आएगा, फोर आएगा एंड वन आएगा। आप देख रहे हो फोर वन फोर वन फोर वन चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं तो फोर ही हो गया राइट। इन दोनों प्रोडक्ट को, इन दोनों प्रोडक्ट को मैं एक साथ ले ले रहा हूं तो यहां पर भी फोर ही हो गया, मतलब ये जो भी होगा नाइन नाइन एटी वन इंटू फोर जो भी होता है थ्री ट्वेंटी फोर होता है, तो थ्री ट्वेंटी फोर का फोर यहां पर भी थ्री ट्वेंटी का फोर का फोर एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगी कहानी ये राइट, ठीक है इस तरीके से कहानी चलेगी। देखिए मैं दो दो के पेयर्स ले रहा हूं, कितने के पेयर्स ले रहा हूं, दो दो के पेयर्स, और टोटल टर्म्स कितने हमारे पास फिफ्टी, पेयर्स ले रहा हूं दो दो का, टोटल टर्म्स है फिफ्टी, तो कितने फोर्स आएंगे 50 बाई टू 25 फोर्स आएंगे, मतलब फोर यहां पर भी आ जाएगा, गॉट इट, मतलब नंबर है 324 324, उससे कोई तो मतलब नहीं, बस फोर पावर 25 का आपको निकालना है। फोर पावर 25 देख लो फोर है, ठीक है, 5
पावर है 25, यहां पर कुछ भी होगा बड़ा नंबर होगा, आई डोंट केयर। सो 25 ऑड है, ऑड है मतलब 4, खत्म, क्वेश्चन इज ओवर। आई होप गाइस क्लियर है, ठीक है। तो अभी मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व लेता हूं, फिर ये सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसके बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे लास्ट टू डिजिट्स, और मैं बहुत ही जल्द आज या कल में ही आपके लिए बहुत बढ़िया एक वोकैबुलरी और ग्रामर की सीरीज ला रहा हूं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि भाई बेसिक से हम लोगों को तैयारी करनी है कैट की, या जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली कैट, ग्रामर वीक है, बेसिक इंग्लिश वीक है, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते नहीं है, तो सारे नॉलेज, स्किल्स, स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स वो मैं लेकर के आ रहा हूं इसी चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं, अब इन सारे क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा एडिशनल कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर, 111 होल नंबर्स का सम का यूनिट डिजिट चाहिए। तो देखिए पहला होल नंबर 0 है, दूसरा होल नंबर 1 है, तीसरा होल नंबर 2 है, चौथा होल नंबर 3 है, पांचवा होल नंबर 4 है, ऐसे करते करते सारे होल नंबर चल रहे, पहला होल नंबर 0, दूसरा होल नंबर 1 एंड सो ऑन। तो जब पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, तो 111 क्या हो जाएगा, यही होगा 110, एक कम हो जाएगा, राइट। यानी कि मेरे को 1 से लेकर के 110 तक जोड़ना है, कैसे करें, 1 से लेकर के 110 तक जोड़ना किस तरीके से करें, सबसे बढ़िया तरीका क्या, अगर आपको खुद भी नहीं पता, अगर आपको इस तरीके से जोड़ना है और आपको फॉर्मूला वगैरह मान लो याद नहीं है, तो एक ऑब्जर्व करो ना आप, 1 और 110 कितना हो रहा है, 1 और 110 हो रहा है 111, ठीक है। वैसे ही 2 और यहां पर है 109, कितना हो रहा है 111, तो ये भी 111, ये भी 111, तो दो दो करके 111 होते जा रहे हैं। भाई 3 है यहाँ पर, 108 है, इन दोनों को जोड़ो, 3 और 111 आ रहा है। तो बेसिकली मैं बोलूंगा कि 111 आ रहा है, 111 आ रहा है, राइट। वो कितनी बार आएगा, देखो इसको तो भूल जाओ, जीरो का तो कोई रोल नहीं है, वो कितनी बार आएगा भाई, 110 टर्म्स है, दो दो की पेयरिंग हो रही है, मतलब 55 टाइम्स, ठीक है, हो गया, प्रोडक्ट का फंडा क्लियर हो गया, 1 और ये 5 आ गया आंसर, खत्म। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस आइडिया इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता भाई, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, आंसर इज 8, राइट। 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, करके देख सकते हैं आप, अगर आप 1 स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 2 स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा, 5 स्क्वायर, लास्ट डिजिट ले रहा हूँ ना, 5 स्क्वायर तो 5 आएगा, 6 स्क्वायर करोगे तो 36 का 6 आ जाएगा, 7 स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, 8 स्क्वायर करोगे तो 8 कितना आ गया 64, 9 स्क्वायर कितना हो गया 1। तो आपको दिख रहा है, सब दिख रहा है, ये 4 नहीं दिख रहा, राइट, ये 4 नहीं दिख रहा। आई होप गाइस बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि 2, 3, 7, 8 परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट नहीं हो सकते, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछते रहता आसान एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। एक तरीका, बड़ा नंबर है, प्रोडक्ट बड़ा दिख रहा है भाई, पहला तरीका क्या होगा सुनो, फर्स्ट में ये आप बेसिक से जाओ, ये देखो 7, 3, 7, 9 ये सब मल्टीप्लाई करो और बेसिक से निकाल लो, ठीक है, कर लेते हैं एक बार, तो 7 into ऐसा ही लिखेंगे अपन, 7 into 3 into 7 into 9 into 5 into 1 into 9 into 1 into 3 ऐसा ही होने वाला है, बाकी सब तो भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, राइट, लास्ट के डिजिट ले लेंगे, क्लियर। अब ये देखिए ये 7 का भाई 7 ही है, 7 into 3 1 हो गया, 7 हो गया, 9 7 63 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 5, ये हो गया 5, खत्म। अब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी ऐसी सीरीज में, ऐसी सीरीज में इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, आपको करना क्या है, ये तो खैर 5 ही आ गया इसके आंसर, ऐसी सीरीज में करना क्या है, ऐसी सीरीज में आप देखो कि 5 तो नहीं है कहीं किसी के यूनिट डिजिट में, 5, राइट, 5 है और एक भी इवन नहीं है
फाइव है और एक भी इवन नंबर नहीं है, फाइव है और एक भी इवन, ये सारे ऑड है तो फाइव आंसर, ठीक है, फाइव है और एक भी इवन नहीं है तो फाइव आंसर, क्लियर। और फाइव है किसी यहीं कहीं पर भी फाइव है और एकाध भी इवन नंबर मिल गया तो जीरो, क्यों ऐसा? देखो ना फाइव का टेबल पढ़ के देखो, फाइव का टेबल पढ़ के देखो, फाइव का टेबल जब आप पढ़ोगे फाइव इंटू वन फाइव होगा, तो मैं बोल सकता हूँ फाइव इंटू एनी ऑड नंबर लास्ट डिजिट फाइव, ठीक है, और फाइव का टेबल एनी इवन नंबर आप बोलोगे लास्ट डिजिट जीरो, खत्म। आई होप दिस इज क्लियर। और एक और याद रखो, ऑड इंटू ऑड जो होता है ना वो ऑड होता है, ये ऑड है, ठीक है, ऑड इंटू ऑड ऑड होता है, ऑड इंटू ऑड ऑड होता है, और इवन इंटू इवन इवन ही होता है, और इवन इंटू ऑड ये भी इवन होता है। आई होप क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट मिलाकर के ये क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपली फाइव देखो, लास्ट डिजिट फाइव अगर है, एक भी इवन नहीं दिख रहा, सारे ऑड दिख रहा, तो फाइव ही आंसर, ठीक, एक फाइव को ढूंढो। अगर मान लो, अभी कुछ और ट्रिक्स बता देता हूँ यहाँ पर, मान लो सारे के सारे ऑड ही होते तो ना ऑप्शंस क्या करते अपन, ऑप्शंस में ना सिर्फ ऑड दिखते, ऑड इनटू ऑड ऑड होता है, ऑप्शन में ऑड ऑप्शन रहते, इवन ऑप्शन एलिमिनेट, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, क्लियर होगा। देखिए प्रोडक्ट ये दिया हुआ है 81 82 83 से लेकर के 89 तक का यूनिट डिजिट, देखो फाइव है कि नहीं चेक कर लेते हैं, 81 से लेकर 89 भाई फाइव तो होगा, फाइव तो होगा ही होगा, और इवन भी दिख ही रहा है यहां पर, आंसर इज जीरो, खत्म, क्लियर है, आंसर इज जीरो, क्वेश्चन ओवर। ओके, ये कैट का क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ दिस, व्हाट इज द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ दिस, बड़ा इजी क्वेश्चन। देखो क्या 30 पावर 292 राइट मोस्ट नॉन जीरो बोल रहा है भाई साहब, राइट मोस्ट नॉन जीरो, तो 3 पावर इसको मैं लिख देता हूं ऐसा, देख बेसिक मैथ्स है, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, यानी कि 3 पावर 292 इंटू 10 पावर 292, राइट, मेरे को राइट मोस्ट नॉन जीरो चाहिए, जीरो नहीं नॉन जीरो डिजिट। देखो इसका मतलब क्या है, ये जो भी नंबर होगा, ये जो भी नंबर होगा उसके बाद नंबर में कितने जीरोस होंगे, 292, कैसे, देखो 3 × 10² भाई साहब 300 है ना, दो जीरो है, वैसे 3 × 10³ या 3 × 10³ तीन जीरो आ जाएंगे, 87 × 10⁴ भाई 87 इंटू यही होगा, क्लियर है, बस वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक नंबर होगा, एक नंबर होगा कोई भी, और उसके बाद कितने जीरो होंगे, 292 जीरो होंगे, 292 जीरो होंगे, और उन जीरो के जस्ट पहले वाला नंबर इसका लास्ट डिजिट होगा कि नहीं होगा, उन जीरो के जस्ट पहले वाला नंबर इसका लास्ट डिजिट होगा कि नहीं होगा, होगा, इसका लास्ट डिजिट निकाल लेते हैं, इसका लास्ट डिजिट निकाल लेते हैं, 292 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 292 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, 4 से, 92 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, 4 से, 92 को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या जाएगा, जीरो, भाई 292 को कर लो, रिमाइंडर कितना रहा है, जीरो, रिमाइंडर जीरो आ रहा, मतलब रिमाइंडर जीरो आ रहा, मतलब 3971 याद है, 39 रटना है, अगर रटा नहीं है तो फिर निकाल लो, 3 × 3 = 9 3³ 7 3⁴ में 1 आता है, 1 आता है मतलब लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो 1। आई होप दिस इज क्लियर। तो गाइस आई होप आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा कि ये साइक्लिसिटी का कंसेप्ट होता क्या है। एक रिविजन लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने इस पूरी सीरीज में समझा कि रिमाइंडर्स का रूल क्या होता है। देख लीजिए रिमाइंडर्स का रूल, बेसिक रिमाइंडर्स का रूल जो कि साइक्लिसिटी में लगता है, कोई भी नंबर डिविडेंड जब डिवाइजर डिवाइड करते हो, मैक्सिमम डिवाइजर जो होता है वो डी माइनस वन होता है, मिनिमम डिवाइज मिनिमम रिमाइंडर क्या होता है, जीरो, राइट, रिमाइंडर जो भी बच रहा है वो वाला टर्म, उस साइकिल का वो वाला टर्म, बेसिक साइकिल का वो वाला टर्म लेते हैं। अगर रिमाइंडर जीरो बचता है तो लास्ट टर्म ऑफ द साइकिल, रिमाइंडर जीरो तो लास्ट टर्म ऑफ द साइकिल, इस चीज को याद रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है काफी सारे स्टूडेंट्स को, रिमाइंडर अगर जीरो तो लास्ट टर्म ऑफ द साइकिल, क्लियर। ये पहला कंसेप्ट देखा था, फिर साइक्लिसिटी का कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट का किस तरीके से निकालते हैं, फिर पावर्स का किस तरीके से निकालते हैं,
तो ये रही साइक्लिसिटी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली क्लास। एक और क्लास लगेगी जिससे 10 से 15 मिनट में मैं आपको काफी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस करा दूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट सेशंस के लिए बने रहिए और मुझे बताइए कि किस एरिया में आपको कैट के एग्जामिनेशन की तैयारी में किस एरिया में आपको प्रॉब्लम जा रही है, उस एरिया के वीडियोस मैं लेकर के रेगुलर बेसिस पे आता चलूंगा। ओके गाइज, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडे सेशन। होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। गुड लक। टेक केयर। बाय बाय।